ठीक है। आज अपन बढ़ते हैं राइट तक। जैसे मेरे पास जाने के लिए दो रास्ते ए और बी, और वापस आने के लिए भी यही रास्ते हैं ए और बी, मैं कितनी तरह की यात्रा कर सकता हूं। मेरे पास जाने के लिए दो रास्ते हैं और आने के लिए भी वापस वही दो रास्ते हैं, तो मेरे पास ऑप्शन कितने होंगे यात्रा में। पहला ऑप्शन बनेगा मैं ए रास्ते से जाऊं और वापस ए से आऊं। दूसरा ऑप्शन बनेगा ए से जाऊं और वापस बी रास्ते से आऊं। तीसरा ऑप्शन बनेगा बी से जाऊं और वापस ए से आऊं। और चौथा ऑप्शन बनेगा बी से जाऊं और वापस बी से आऊं। तो कुल ऑप्शन बने चार विकल्प बने अपने पास। जब इस तरह से प्रश्न हो तब अपन करेंगे जाने के लिए विकल्प कितने हैं मेरे पास, दो, और वापस आने के लिए विकल्प कितने हैं, दो। इसलिए मेरे पास कुल ऑप्शन बने चार। ठीक है। अब ये शर्त हो कि जिस रास्ते से मैं जाऊं वापस उस रास्ते से मैं नहीं आऊं, तो मेरे पास जाने के लिए विकेट हुए दो और वापस आने के लिए विकेट हुआ मेरे पास एक, तो जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं उससे वापस नहीं आना है, तो मेरे पास एक विकेट रहा और कुल ऑप्शन बने मेरे पास दो। ठीक है। अब एक रेल के डिब्बे में मैं प्रवेश करता हूं जिसमें पांच सीटें हैं और तीन यात्री हैं, वो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। सीट है पांच और यात्री है तीन, वो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। पहले वाला यात्री आएगा, उसके पास ऑप्शन होंगे पांच, तो पांच में से किसी भी सीट पर वो बैठ जाए। दूसरे वाला यात्री आएगा, उसके पास ऑप्शन होंगे चार, और तीसरे वाले के पास में ऑप्शन होंगे तीन तीन, तो चार के बारह और साठ। अब एक चीज ये है, तीन मेरे पास लेटर है और तीन ही लेटर बोर्ड से, तो कितने तरीकों से मैं चिट्ठी पोस्ट कर सकता हूं, कुछ बताओ। तीन इंटू दो इंटू एक, तीन इंटू तीन इंटू तीन, कुल 27 तरीके होंगे जिससे मैं लेटर पोस्ट करता हूं। एक चिट्ठी पे दूसरी चिट्ठी तो जा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति बैठा हुआ उस पर दूसरा व्यक्ति आगे नहीं बैठ सकता। ठीक है। तो ऑप्शन हुए लेटर बॉक्स मेरे पास तीन है, चिट्ठियां भी तीन है, तो पहले बॉक्स में मैं तीन चिट्ठियां डाल सकता हूँ, दूसरे में भी तीन डाल सकता हूँ, तीसरे में भी डाल सकता हूँ, इसलिए कुल 27 ऑप्शन होंगे मेरे पास। हाँ, अब तीन सीटें हैं, तीन यात्री है, तो उनके लिए ऑप्शन होगा पहले वाले के लिए तीन, दूसरे वाले के लिए दो, तीसरे वाले के कुल होंगे। अब एक ये है, जैसे 7P5 इसकी वैल्यू किस तरह से सॉल्यूशन होगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, और इसको अपन हल करेंगे तो इस तरह से अपन हल। अब एक लीप ईयर में इस बार की क्या संभावना कि 52 रविवार होंगे, लीप ईयर में इस बात की क्या संभावना है कि 52 रविवार होंगे। हाँ बहू जी बताओ, लीप ईयर में इस बात की क्या संभावना है कि 52 रविवार होंगे। हाँ बहू जी, हाँ लीप ईयर मतलब 366 दिन होते हैं, हाँ 52 रविवार होंगे। अच्छा, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होगा, इस बात की क्या संभावना है। 100%। तो 52 रविवार तो होंगे ही, चाहे कोई भी बोलो वो तो 100% है, 52 रविवार होंगे। एक ज्यादा भी हो सकता है, नहीं, हाँ 53 का हो सकता है, लेकिन 52 तो होंगे ही। ठीक है। अब देख लो, एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की संभावना, तो लीप ईयर क्या होता है 366, और उसमें 7 का भाग दो, 7 × 35 16, 7 × 14 पीछे बचे 2, तो 2/7 संभावना है कि वो 53 रविवार में। ठीक है, पीछे जो बच जाते हैं। अब ये बोल दे एक साधारण वर्ष है अ लीप ईयर,
लिमिटेड रेट होता है जिसमें 365 दिन हो, इस बात की क्या संभावना कि 53 रविवार होंगे? जीरो। कैसे? हाँ। 7/7 365 × 7 = 35 = 15 × 7 = 14 = 1/7 संभावना है वो 53 रविवार। हाँ, पूर्जी सप्ताह में एक दिन निरीक्षण करने आते हैं, ठीक है, तो इस बात की क्या संभावना है वो बुधवार को निरीक्षण करने आएंगे? 1/7 7 दिन में एक बार आते हैं तो 1/7 संभावना बनी। सर संडे को, संडे को कोई संभावना नहीं, ठीक है। अब ये चीज है ABC, इससे कितने प्रकार के सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? ABC से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसका कोई अर्थ हो या नहीं भी, अच्छा बनाए जा सकते हैं। कैसे ज्ञात किया? 3 × 2 × 1 तीन में से 3 लेना है तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0। ABC से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि शुरुआत A से A फिक्स हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, 2/3 फिर तो ए दो बी सी ये बना ए सी बी दो ही बने, पहला ए कॉन्स्टेंट हो गया, फिर मेरे पास क्या बचा? बी सी दो, तो फैक्टोरियल ये 2P2 और 2P2 का मान होता है, नंबरों वाली एपीसी देखी आपने जिसमें नंबर सेट होते हैं और 3-digit नंबर है इसका अटैची का जिसमें नंबरों से नंबरिंग लॉक होता है जिसमें 3-digit है, ठीक है, तो कितने प्रयास में करूंगा कि निश्चित रूप से सफल हो जाऊं अटैची खोलने में? सारे डिजिट है 0 से लेकर 9 तक। हाँ, कोई भी डिजिट सेट किया हुआ है? नहीं। पहले में 9 एंटर नॉल ये और बनाएगा तब निश्चित रूप से मुझे सफलता मिल जाएगी। 729, ठीक है, जब भी 81 ये 700 हाँ 0 हाँ तो इसमें 10 होंगे, 10 × 10 × 10 1000 ऑप्शन होंगे तो संभावना है मेरी प्रोबेबिलिटी होगी 1/1000 1000 प्रयास करूंगा तो एक रूप से निश्चित रूप से करूंगा, 0 नंबर भी फीड हो सकता है। पूर्ति किसी प्रश्न को हल करने की संभावना 60% है और गायत्री के द्वारा उस प्रश्न को हल करने की संभावना 80% है और लक्ष्मण जी द्वारा प्रश्न हल करने की संभावना 50% है, इस बात की क्या संभावना कि मेरा प्रश्न हल हो जाएगा? नहीं, हाँ, इस बात की क्या संभावना है मेरा प्रश्न हल हो जाए? आपकी तो कोई संभावना नहीं इसके हिसाब से। मेरे द्वारा दिया गया प्रश्न हल हो जाएगा। अच्छा, 8, 14 और 5, 19 ठीक है। हाँ, तो इसमें होगा यदि सवाल बड़ा करना चाहे तो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो 1 - 3 तीनों के द्वारा प्रश्न गलत हल करने की संभावना 40/100 20/100 और 50/100 ये वन प्रश्न हल होने की संभावना टोटल उसमें से नहीं होने की संभावना लेस है, ठीक है, तो अपने पास या फिर अपन ये करें ABC ये बड़ा बन जाएगा ये, ठीक है, ABC तीन प्रश्न हल करते हैं, ABC सही करते हैं, C गलत करते हैं, A और C सही करते हैं, B गलत करते हैं और इस तरह से, या फिर ये ABC गलत करते हैं, C सही करते हैं, AC गलत करते हैं और फिर BC गलत करते हैं, तो ये और ये मान दोनों बराबर आएगा, क्या देख के लेना, जैसे A के हल करने की संभावना
60 बटे 100, 80 बटे 100 और 50 बटे 100। एक ही 60 बटे 100, 80 बटे 100, 50 बटे 100 नहीं आ करेंगे। एक ही 60 बटे 100, 20 बटे 100 और 50 बटे 100, इन सबकी जोड़ कर देना और जोड़ का मान वही आएगा जो समान। हाँ, एमबीसी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर आर्ट्स में 5 विषय हैं। विषय कौन से हैं? राजनीति विज्ञान, इतिहास, इतिहास, हिंदी, हिंदी, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी और दर्शन शास्त्र। इन पांचों विषयों में से अभ्यर्थी को 3 विषय लेने हैं। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 5। 5 विषय हैं, 3 विषय का कॉम्बिनेशन लेना है और कॉम्बिनेशन बनेंगे 5C3। 5C3 है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। अंतर लेना है और फैक्टोरियल 3 और 5 लेने के लिए ऊपर बचे 4 5, नीचे 2, 10 ठीक है। अब ये बातें तो ये है कि हिंदी और इतिहास में से कोई एक ले सकता है। अब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? हिंदी और इतिहास में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकता है, दोनों साथ नहीं ले सकते। तब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? इन दोनों को एक मान ले और एक मान के पीछे बचे 4। 4 इसको एक मान ले, 1, 2, 3 और 4। अब 4 में से 3 लेना है और इन दोनों में से क्या लेना है? तो किच्छे बनेंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 2 तो हो गए 6। तो 6 अपन 4 ये 12 इंटू 12 बटे 2 ठीक है, सही है, सही है, हाँ सही है। इसे 3 चले गए तो 4 बचा, 4 8 4 दिन 8 ऑप्शन ठीक है। हाँ ऑप्शन 7 बनने चाहिए हिंदी और इतिहास के एकदम सामने ठीक है। अब एक प्रश्न और अपन देते हैं। ताश की गड्डी में से अपन को एक पत्ता निकालना है, इस बात की क्या संभावना को बादशाह है? ताश में बादशाह कितने होते हैं? 4 बटे 52, 1 बटा 13 ठीक है। ताश में से एक पत्ता यादर्शिक रूप से निकालना है या 4 पत्ते मुझे निकालने हैं, ताश में से 4 पत्ते निकालने हैं, इस बात की क्या संभावना कि उनमें से एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम होगा? एक इक्का, चार पत्ते निकालने हैं और इस बात की क्या संभावना एक उनमें से एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम होगा? कैसे? जैसे बादशाह 1/13 हाँ, और 1/13 इंटू 1/13 इंटू 1/13 इंटू 1/13। पहला चारों में से कोई भी पत्ता अपने पास आए तब हो जाएंगे, तो वो पत्ते अपने पास ऑप्शन कितने हुए? 16। 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम, तो 16/52। फिर इनमें से सपोज कोई भी पत्ता निकला तो उसके वाले 4 ऑप्शन हट जाएंगे, पीछे बचे 12/51, 8/50, 4/50। हाँ यदि मैं बोल दूं कि पहला पत्ता इक्का निकले, दूसरा बादशाह निकले, तीसरी बेगम निकले, चौथा गुलाम निकले, तो 1/13 इंटू 1/13 इंटू 1/13 वापस नहीं रखा जाता।
हाँ वापस रिप्लेस नहीं किया जाता, ठीक है, वापस नहीं रखा जाता, तब ये ऑप्शन एक देखियो, मैंने एक से लेकर 30 नंबर तक की चिट्ठियां बनाई और उसको एक बक्से के अंदर रख लिया। अब मैं उसमें से चिट्ठी निकालता हूं, इस बात की क्या संभावना कि वो 3 या 5 की मल्टीपल, इस बात की क्या संभावना वो 3 और 5 की मल्टीपल, 1/15 की मल्टीपल होगी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 5 की मल्टीपल होगी 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब 30 इसमें कॉमन है, ठीक है, तो फुल ऑप्शन हो गए 3, 2, 5, 7, 10, 10 और ये ऑप्शन हो गए 5, 6 - 1 कुल हुए 15/30 15 ठीक है, इसके 14/30। अब देखो मेरे पास 1 नंबर से लेके और 100 नंबर तक की गिनती है, इस बात की क्या संबंध है वो 3 और 5 की मल्टीपल होगी। ये तो छोटा था आपने कर दिया इस तरह से बना के, अब लंबा हो गया तो कितने बना के करोगे, ठीक है, तो इससे करो 100 नंबर को 5 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करो तो कितने आएगी 33.33 कौन सा नेचुरल नंबर लेंगे, और 100 को 5 से डिवाइड करो 20 तो 20, ठीक है। अब 3 और 5 का आप ले लो एलसीएम और एलसीएम हो गए 100/15 और ये गई 6, ठीक है, तो कोई ऑप्शन हो गया मेरे पास 33+20-47 ये टोटल ऑप्शन आएंगे 47 और ये प्रोबेबिलिटी होगी 47/100। जब बड़े सवाल हो तो इस तरह से, ठीक है, किस समय प्रोबेबिलिटी में और शब्द आता है जब जोड़ होती है और किस समय मल्टीप्लाई होता है, जैसे अपन यहां कहा था प्लस हुआ 3 या 5 की मल्टीप्लाई, जब या शब्द आए तो प्लस होता है और एंड आए तो मल्टीप्लाई। अब देख लो एक बच्चे के अंदर 5 लाल और 4 हरी गिरती है, दूसरे में 4 लाल और 4 हरी गेंद, इस बात की क्या संभावना कि गेंद में पहले बच्चे से निकालूं और वो सेटिंग में रखूं और फिर मैं सेटिंग में से एक निकालूं और निकलने वाली गेंद सफेद, इस बात की क्या संभावना। अब देखो सफेद तो ही नहीं, सॉरी, हाँ निकलने वाली संभावना लाल, इस बात की क्या संभावना निकलने वाली है लाल। अब ये ऑप्शन हो सकता है कि मैंने पहली बार निकाली पहले बच्चे से गेंद वो लाल भी हो सकती है और सेकंड हरी भी हो सकती है, और सेकंड बच्चे से मैं निकालूंगा वो गेंद तो लाल ही होनी चाहिए, ये तो ऑप्शन ही है अपने पास, लाल ही गेंद निकलनी चाहिए सेकंड में, ये उसने बोला ही है प्रश्न। अब देखो पहले में लाल निकलने की संभावना 5/9, अब दूसरे में लाल निकलने की संभावना तो पहले वाले बच्चे से एक लाल निकली तो इसमें डाल दी तो यहां पर लाल हो गई 5 और हरी है 4 तो टोटल हुई 5/9 गेंद बढ़ गई, ये पहला। सेकंड में हरी गेंद निकलने की 4/9, फिर सेकंड में लाल निकलने की लाल गेंदे 4 है और हरी 1 बढ़ गई यहाँ 5 हुई,
तो 4/9 ये 25/81 और 16/81 तो पहले बच्चे से अपने निकल के फिर दूसरे में डालिए, इसलिए अपने पास संभावना बन गई 25/81 × 16/81 इस तरह से ये 10 मिनट का बना 20 मिनट गया।